हेलो टू एवरीवन। दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे एजुकेशनल मैनेजमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जैसे कि SIQE, SMC, शाला दर्पण और शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित और भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है दोस्तों। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि रेगुलरली वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सबसे पहले वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। पहला पॉइंट है SIQE, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों, जहां प्राथमिक कक्षाएं संचालित हैं, की कक्षा 1 से 5 में बाल केंद्रित शिक्षण विधि तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवोल्यूशन पद्धति लागू की जा रही है। तो दोस्तों ध्यान रखें, SIQE इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। इसके तहत राजकीय उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों, जहां प्राथमिक कक्षाएं संचालित हैं, की कक्षा 1 से 5 में बाल केंद्रित शिक्षण विधि तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति लागू की जा रही है, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है, राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निम्नानुसार समितियों का गठन है। कक्षा 1 से 8 के लिए SMC विद्यालय प्रबंध समिति, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एवं कक्षा 9 से 10 एवं कक्षा 9 से 12 के लिए SDMC यानी कि विद्यालय विकास कोष एवं प्रबंध समिति, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। तो दोस्तों ध्यान रखें, राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निम्नानुसार समितियों का गठन है। कक्षा 1 से 8 के लिए तो SMC, और कक्षा 9 से 10 एवं कक्षा 9 से 12 के लिए SDMC विद्यालय विकास कोष एवं प्रबंध समिति का गठन है। नेक्स्ट पॉइंट है शाला दर्पण, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु एक पोर्टल है। अगला बिंदु है शाला दर्शन, पोर्टल उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के लिए है। तो दोस्तों ध्यान रखें, शाला दर्पण माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु एक पोर्टल है, जबकि शाला दर्शन पोर्टल उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक पोर्टल है दोस्तों। तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है, शाला दर्पण और शाला दर्शन, तो शाला दर्पण माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु एक पोर्टल है, जबकि शाला दर्शन एक पोर्टल है जो उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के लिए है। अगला बिंदु है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी बेटियां योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी 10वीं परीक्षा में प्रत्येक जिले की 2 मेधावी छात्राओं को तथा 1 BPL परिवार के जिले में प्रथम स्थान प्राप्त मेधावी छात्रा को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखें, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी परीक्षा में प्रत्येक जिले की 2 मेधावी छात्राओं को तथा 1 BPL परिवार के जिले में प्रथम स्थान प्राप्त मेधावी छात्रा को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अगला पॉइंट है NCERT 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों में परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, ये सुनिश्चित करना कि सीखना रटंत प्रणाली से मुक्त हो, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना आदि शामिल है। तो दोस्तों ध्यान रखें, NCERT 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों में परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना और ये सुनिश्चित करना कि सीखना रटंत प्रणाली से मुक्त हो और ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। शाला सिद्धि वेब पोर्टल
न्यूपा द्वारा विकसित किया गया पोर्टल है। तो दोस्तों ध्यान रखें, साला सिद्धि वेब पोर्टल जो है वो न्यूपा द्वारा विकसित किया गया पोर्टल है। अगला प्रश्न है, समस्त संस्था प्रदान, पहला पॉइंट है उच्च प्राथमिक व माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक जिनका नामांकन 100 या 100 से अधिक है। दूसरा पॉइंट है प्राथमिक विद्यालय जिनका नामांकन 60 या 60 से अधिक है। तीसरा पॉइंट है आदर्श विद्यालय। चौथा है उत्कृष्ट विद्यालय जहां नामांकन कितना भी हो को शाला सिद्धि पोर्टल का डाटा अपडेट करना अनिवार्य है। तो ध्यान रखें, समस्त संस्था प्रदान जैसे कि उच्च प्राथमिक व माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक जिनका नामांकन 100 या 100 से अधिक हो, प्राथमिक विद्यालय जिनका नामांकन 60 या 60 से अधिक हो, और आदर्श विद्यालय या उत्कृष्ट विद्यालय चाहे नामांकन कितना भी हो, उनको शाला सिद्धि पोर्टल का डाटा अपडेट करना अनिवार्य है। अगला पॉइंट है न्यूपा, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। अगला पॉइंट है प्रतिवर्ष वसंत पंचमी यानी कि सरस्वती जयंती के अवसर पर गार्गी पुरस्कार समारोह मनाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखें, गार्गी पुरस्कार समारोह कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष बसंत पंचमी या सरस्वती जयंती के अवसर पर। TAF टीचर असेसमेंट फॉर्मेट, टीचर असेसमेंट फॉर्मेट, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र, क्या कहते हैं, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र। अगला पॉइंट है राजकीय विद्यालयों में 5 सामुदायिक जागृति कार्यक्रम आयोजित करने हैं जिसके लिए कुल ₹527 का प्रावधान है। अगला पॉइंट है अब सरकारी स्कूलों में कक्षा कक्ष सुंदर रखने, गृह कार्य करने व अधिकतम उपस्थिति देने वाले 6 विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। अगला पॉइंट है राजस्थान में मॉडल स्कूल की तर्ज पर अब स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखें, राजस्थान में मॉडल स्कूल की तर्ज पर अब स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाएंगे। अगला बिंदु है जोधपुर जिले की 206 सरकारी स्कूलों में ई लर्निंग एवं स्मार्ट क्लास के लिए प्रोजेक्ट उत्कर्ष के साथ जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग ने MOU पर हस्ताक्षर किए। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। अगला बिंदु है माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रयास योजना लॉन्च करते हुए बोर्ड कक्षाओं में 75% से अधिक परिणाम देने वाले शिक्षकों को मेंटोर घोषित करते हुए उन्हें नए दायित्व देना तय किया है। ये मेंटोर न्यून परीक्षा परिणाम वाले शिक्षकों के मार्गदर्शक बनेंगे। निदेशालय स्तर पर किए गए अध्ययन में संपूर्ण राज्य में गणित, अंग्रेजी एवं विज्ञान विषयों में 75% या अधिक विद्यार्थियों द्वारा प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त करवाने वाले शिक्षकों को मेंटोर यानी कि मार्गदर्शक माना जाएगा। तो ध्यान रखें दोस्तों, कौन सी योजना है, प्रयास योजना। इसके तहत 75% से अधिक परिणाम देने वाले जो शिक्षक हैं वो मेंटोर कहलाएंगे, और जो न्यून परीक्षा परिणाम वाले शिक्षक होंगे उनके वो मार्गदर्शक बनेंगे। तो ध्यान रखें दोस्तों। अगला बिंदु है राज्य सरकार ने स्कूलों में बच्चों के प्रवेश को लेकर बड़ा फैसला किया। अब तक पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष थी जिसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखें, सैनिक स्कूल में प्रवेश की न्यूनतम आयु 10 वर्ष और अधिकतम आयु 11 वर्ष होती है, साथ ही कक्षा 6 से प्रवेश होता है। अगला बिंदु है समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा में 75% अथवा अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्राओं को बसंत पंचमी पर कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत रहने पर ₹3,000 प्रति 2 वर्ष पर वे प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया जाता है गार्गी पुरस्कार योजना के तहत। अगला पॉइंट है गार्गी पुरस्कार योजना कक्षा 12 हेतु
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक 12वीं कला विज्ञान वाणिज्य की परीक्षा में 75% या इससे अधिक अंक अर्जित कर उत्तीर्ण एवं राजकीय व निजी विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं को एक मुश्त 5,000 रुपये और प्रमाण पत्र देकर बसंत पंचमी पर पुरस्कृत किया जाता है। तो ध्यान रखें, बसंत पंचमी इस तिथि को पुरस्कृत किया जाता है। अगला पॉइंट है इंदिरा प्रिय दर्शनी पुरस्कार। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य एवं निःशक्त वर्ग की बालिकाएं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जिला मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त किया, प्रत्येक वर्ग से वे पात्र हैं। 10वीं में 75,000 रुपये व 12वीं में 1,00,000 रुपये नियमित अध्ययनरत होने पर। अगला पॉइंट है इंस्पायर अवार्ड योजना। प्रत्येक राजकीय एवं निजी विद्यालय में कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत छात्र छात्राएं जिन्होंने गत कक्षा में विज्ञान एवं गणित विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हों वे पात्र है दोस्तों, और इसकी जो पुरस्कार राशि है वह है 5,000 रुपये। तो दोस्तों ध्यान रखें, इंस्पायर अवार्ड योजना। अगला पॉइंट है लैपटॉप वितरण। वे सभी छात्र एवं छात्राएं जिन्होंने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हों वे सभी इसके लिए पात्र हैं। वो 10वीं वे 12वीं कक्षा में इसके पात्र होंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में अब 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई भी शुरू की जाएगी। अब तक इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक की ही पढ़ाई होती थी। अगला बिंदु है हाल ही में राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के लिए स्टार रैंकिंग प्रारंभ की गई है। अगला पॉइंट है भारत सरकार द्वारा सत्र 2018-19 से केंद्र प्रायोजित योजनाओं रमसा, SSA, सर्व शिक्षा अभियान NTE को एकीकृत कर समग्र शिक्षा अभियान समसा का संचालन किया जा रहा है। भारत सरकार के दिनांक 3/4/2018 के आदेशानुसार समसा का क्रियान्वयन सिंगल इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से किया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखें, समसा का क्रियान्वयन SIS के माध्यम से किया जाएगा। दोस्तों ये थे शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। इसी तरह चैनल पर बने रहिए और निरंतर वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।